सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे द स्नेक सॉन्ग की इंग्लिश समरी और उसके बाद देखेंगे इस स्टोरी की हिंदी में समरी और इस सब के बाद कुछ वर्ड्स होंगे उनके मीनिंग्स देखेंगे और उनकी प्रोनाउंसिएशन भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी की इंग्लिश समरी। दिस स्टोरी हैज़ एन अननेम नरेटर Though the narrative voice changes during the story to the voice of Dr. Man, the story is an incident that occurs in the Dr. Man's life. The story begins with the concert where everyone is happy with the performance. The narrator and his friends notice the Dr. Man who do not seem happy at all. They try to start a debate about ancient and modern musicians, but the Doctor Man doesn't talk about any music's superiority. He rather starts telling a story about living music. He tells them he was studying the flute in his youth. His teacher was a great musician, but he played only at the village temple. However, the Doctor Man had big plans of becoming a rich and successful musical star and winning a contest in Madras. One night at his door was a sadhu who begged for a coin or something to eat. The Doctor Man refused him. Sadhu came back, hearing the music, and asked the man to just let him in to listen to the beautiful flute music. Again, the man refused Sadhu and insulted him. The Sadhu then cursed the Doctor Man by saying that he will never play music anymore. The Doctor Man continued to play, leaving the door open and hoping Sadhu will come back. As the Doctor Man continued to practice the Punaka Virali, the raga of the snakes, a real snake came. To keep snake away, he continued playing the same music for the whole night. His teacher told him that unless he managed to be forgiven by the sadhu, he could never play the flute again. ये पूरी story है जो वो डॉक्टर मैन की लाइफ में जो एक इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में है। सो डॉक्टर मैन ये वाला जो कैरेक्टर है वो हम पहले भी एक स्टोरी में पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो देखी है और उस स्टोरी को पढ़ा है तो आप ज़रूर बताइएगा कि वो कौन सी स्टोरी है जिसमें हमने पहले भी डॉक्टर मैन का कैरेक्टर है जो पढ़ा हुआ है। तो अब बात करते हैं स्टोरी के बारे में। डॉक्टर मैन जो कि बता रहा है कि उसने जो म्यूज़िक है वो क्यों छोड़ा था, वो पूरी अपनी लाइफ का ये पास्ट का इंसिडेंट है वो बता रहा है। अब जब स्टोरी की शुरुआत होती है तब हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं एक म्यूज़िक हॉल से परफॉर्मेंस देखकर बाहर आ रहे हैं और वे सभी लोग बहुत ही खुश हैं, पर उनमें से एक पर्सन है जो थोड़ा सैड दिखाई दे रहा है, ये खुश नहीं है उस परफॉर्मेंस से। तो वहाँ पे जो नरेटर है जो और उसके साथ लोग हैं वो कोशिश करते हैं इस पर्सन से जो कि डॉक्टर मैन है बात करने की कि वो उदास क्यों है। तो उन्हें लगता है कि ये उदास इसलिए है क्योंकि इसे लग रहा है कि जो मॉडर्न म्यूज़िक है वो इतना क्लासिकल नहीं है जैसा कि जो पुराना म्यूज़िक है इतना अच्छा नहीं है। अब वो बात करने की कोशिश करते हैं पर डॉक्टर मैन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो अपनी जो पास्ट लाइफ है उसके बारे में बात करना शुरू कर देता है और जो नरेटर है और उसके जो फ्रेंड्स हैं उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। बट वो टॉकटिव मैन अब वो तो बहुत टॉकटिव है तो बातें करने से वो बंद नहीं हो रहा, तो वो लोग भी ज़्यादा उसे है इग्नोर नहीं कर पाते और उन्हें उसकी बात है जो वो सुननी पड़ती है। अब डॉक्टर मैन बताता है कि वो एक विलेज में रहता था, यहाँ पे एक बहुत ही जो महान टीचर था म्यूज़िक का
उससे वो म्यूज़िक सीखा करता था। और म्यूज़िक सीखने के लिए वो क्या करता था, उस टीचर के जो सभी काम है उसके वो किया करता था और पूरा दिन उसके साथ बिताता था। और कुछ समय बाद उस टीचर ने उसे म्यूज़िक सिखाना शुरू कर दिया। अब वो थोड़ा बहुत जो म्यूज़िक की नॉलेज उसे हो चुकी थी और उसने पूरा डे है जो वो उस टीचर के साथ बिताने के बाद नाइट में म्यूज़िक है जो वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। अब एक रात क्या होता है कि टॉक्टे मैन के घर पे एक साधु आता है जो उससे कुछ खाने के लिए मांगता है, पर क्योंकि टॉक्टे मैन है जो ये प्रैक्टिस कर रहा था तो वो इरिटेट हो जाता है उस साधु के आने से जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुई थी उससे, और उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। तो उसके बाद साधु है जो वो दोबारा आता है तो फिर टॉक्टे मैन उस पर चिल्लाता है और उसे वहाँ से धक्के मार के निकालने की बात करता है। तो इस पे जो साधु है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे एक तरह से कर्स कर देता है कि उसे श्राप दे देता है एक तरह से कि वो अब है जो म्यूज़िक है वो कभी भी प्ले नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में, जो उसकी लाइफ का आखिरी दिन है जब वो म्यूज़िक है प्ले कर रहा है। क्योंकि वो साधु जब दूसरी बार आया था तो वो कुछ मांगने के लिए नहीं आया था बल्कि उस म्यूज़िक को सुनने के लिए आया था, पर टॉक्टे मैन ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसे इंसल्ट करके वहाँ से निकाल दिया। अब जब उसने इस बात को समझा तो डॉक्टर मैन है वो बहुत पछता रहा था और वेट करने लगा कि साधु के शायद वापस आ जाए वो, और वो उसे बाहर देखने के लिए भी जाता है बट वो नहीं आता और वो डोर को ओपन ही रहने देता है और दोबारा जो म्यूज़िक है वो प्रैक्टिस करने लग जाता है। तो इतनी देर में क्या होता है कि एक सांप है जो वो उसके घर में आकर घुस जाता है। अब जब सांप घर में घुस चुका है तो वो क्या करता है, वो जो स्नेक्स वाला सॉन्ग है पुनाका वराली वो उसे प्ले करना शुरू कर देता है। पहले भी उसे प्ले कर रहा था इसी वजह से वो सांप वहाँ पे आया था, बट अब सांप को देखकर वो डर भी जाता है और बाहर से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो जो म्यूज़िक है उसे प्ले करना शुरू कर देता है और जो सांप है वो वहीं उस म्यूज़िक पर मस्त होकर वहीं पे खड़े रहता है और टॉक्टे मैन के पास नहीं आता और उसे कोई भी नुकसान है जो नहीं पहुंचता। बट क्या होता है, जैसे ही टॉक्टे मैन वो म्यूज़िक बंद करने की कोशिश करता है वो सांप है जो वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है और उस सांप को रोके रखने के लिए अब टॉक्टे मैन को पूरी रात है जो वही म्यूज़िक प्ले करना पड़ता है जो उसने उस साधु को सुनाने से मना किया था। तो वो पूरी रात है वही म्यूज़िक प्ले कर रहा है और सुबह होने तक वो बिल्कुल थक चुका था। अब उसमें बिल्कुल भी कोई भी एनर्जी नहीं बची थी कि वो उस म्यूज़िक को और थोड़ी देर तक प्ले करे। तो उसके बाद वो प्रे करता है उस सांप के आगे कि अब वो उसे मार दे क्योंकि अब उसमें कोई एनर्जी नहीं है इस म्यूज़िक को और प्ले करने के लिए। ऐसा कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और इतनी देर में वो सांप है वहाँ से चला जाता है। अब जो टॉक्टिव मैन है वो कसम खाता है कि वो इस म्यूज़िक को प्ले नहीं करेगा दोबारा। और उसके बाद उसका टीचर है जो वो उससे मिलता है। डॉक्टर मैन पूरा एक्सपीरियंस अपनी नाइट का जो उस टीचर के साथ शेयर करता है। अब वो टीचर है जो वो उसे बताते हैं कि ये सॉन्ग है जो उसे रात को प्ले नहीं करना था क्योंकि ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग यही है कि ये जो म्यूज़िक था पुनागा वेराली वाला वो रात को प्ले नहीं किया जाता। पर अगर अब कहीं उसने सांप को देखा और ये म्यूज़िक प्ले किया तो सांप है अब उसे डस लेगा, अब उसे नहीं छोड़ेगा। तो ये ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग था जो टीचर उसे बता रहा था। और अब जो टॉक्टे मैन है वो और भी ज़्यादा डर गया इस बात से
और उसके टीचर ने बोला कि वो दोबारा जो म्यूजिक है वो तभी प्ले कर पाएगा अगर वो साधु से माफी मांग ले और वो साधु से माफ कर दे। तो उसके बाद उसने म्यूजिक प्ले करना बंद कर दिया और वो अब उस साधु को ढूंढ रहा है ताकि उससे माफी मांग सके और दोबारा है जो वो अपना म्यूजिक है वो शुरू कर सके। होम नो बींग फ्रेंडली विद समवन हु इज़ फेमस, किसी फेमस पर्सन के साथ मेल जोल बढ़ाना। इनेन सिली। वॉन्ड स्टिक वेव्ड बाय अ पर्सन हु इज़ परफॉर्मिंग मैजिक ट्रिक्स, जादुई छड़ी। पेस्टर एनोइंग बाय आस्किंग फॉर समथिंग रिपीटेडली, किसी को बार बार एक ही चीज़ के बारे में पूछकर परेशान करना।